राम जी हमारे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये बात हमें अपने जीवन में गिन के गांठ बांध लेनी चाहिए। कह रहे हैं कि भाई कोई बात है जिन्हें गिन गांठ बांध ली, पल्ले रे गांठ बांध ली, याद आवेगा बात कहीं है। दूसरी बातें भले याद रहो चाहे मत रहो, लेकिन इस बात को तो जरूर याद रख लेना चाहिए। और हमारी आदत है बात को पकड़ने की, जो कोई बात होती है संसार की जिससे पतन होता है, अशांति पैदा होती है, कलह पैदा होता है और बारंबार संसार में भटकना पड़ता है, वो बात हम मजबूती से पकड़ करके रखेंगे बस, ता जिंदगी भूलेंगे नहीं। जीवन पर्यंत चाहे कितने ही वर्ष बीत जाओ, भूलेंगे नहीं, बस हर समय उसी का चिंतन होता रहेगा। सज्जनों, जो छोड़ने लायक चीज है उसका यदि हम चिंतन करते रहेंगे तो वो चीज छूटेगी कैसे? छोड़ने के लिए तो एक ही उपाय है कि उस चीज की उपेक्षा कर दो। कथा आप लोगों ने भागवत की सुनी है, इस विषय के लिए ये भाव अपने को समझना चाहिए। अंशोपाख्यान की कथा आती है 11वें स्कंद में, हंस की कथा है, उसके लिए ऐसी बात आती है कि एक बार सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों जो सनकादिक ऋषि है, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सन, ये चारों ऋषि भ्रमण करते करते किसी एक जगह बैठे बैठे विचार करने लगे कि संसार में ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे कि हमारा मन विषयों में नहीं फंसे और विषय मन में नहीं फंसे। विषय मतलब पदार्थ, चीज वस्तु, कोई जगह हो, कोई सामान हो, कोई कपड़ा हो, कोई खाद्य सामग्री हो, ये बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी दिल में भा जाती है, बहुत सुहावनी लगती है। ऐसी कोई जो चीज लगती हो तो हमारा मन उन विषय में फंस जाता है और वो विषय अपने खुद अपने आप में फंस जाता है, बैठ गया। तो इन दोनों को जुदा कैसे किया जाए, ये चारों ऋषियों ने आपस में सत्संग की चर्चा के माध्यम से इस पर चिंतन किया। अब ये आपस में चिंतन किया लेकिन निर्णय को उत्तर दिया था, चलो अपन ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, अपने तो पूर्वज वही है, वे कोई न कोई समाधान बताएंगे, उपाय बताएंगे, चले। वे लोग ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है ना चारों, मन से उत्पन्न होने वाले सबसे पहले है, सबसे पहले होने वाले बड़े रे सबके, परंतु उम्र केवल उनकी 5 वर्ष की ही है, क्योंकि वे सदा हरि शरणम का कीर्तन करते रहते हैं, बस भगवान की शरण में है, बस शरण से। तो भगवान के शरण के साथ वे अपना एक संबंध जोड़ दिया, जिस संबंध जोड़ा वही संबंध उनका कायम हो गया, तो इसलिए 5 वर्ष के ही रहते हैं, वे कभी बड़ी उम्र में होते ही नहीं। ब्रह्मा जी के पास वे चारों सनकादिक ऋषि पहुंचे और प्रणाम करके अभिवादन किया और फिर निवेदन किया, प्रभु हमें एक शंका आया है। ब्रह्मा जी ने कहा, बोलो क्या है? महाराज, संसार का विषय दिखने के लिए तो बहुत छोटा होता है, परंतु वो मनुष्य के मन में फंस जाता है और उलझ जाता है मन उसमें,
तो मन विषय में बैठ गया और विषय मन में बैठ गया। मान लो घड़ी है, पसंद आ गई, अच्छी लगी, तो हमारा मन तो घड़ी में बैठ गया और घड़ी हमारे मन में बैठ गई। बिना अलग कैसे किया जाए? बात ठीक लगी ब्रह्मा जी ने, तो जो उस समय अपने सृष्टि बनाने के काम में लगे थे उनका काम यही है, सृष्टि बनाओ। चार तीन जो देव हैं उन तीन देवों में सृष्टि बनाने का काम है ब्रह्मा जी का, पालन करने का काम है विष्णु जी का, और समय पर उसका संहार करना यह है काम शिव जी का। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन गुणों के स्वामी तीन प्रकार की सृष्टि का काम क्या करते हैं? ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने के काम में लगे हुए थे, इस बात का उनको कोई विशेष संतोषजनक भाव पैदा नहीं, उत्तर नहीं दे पाए कि इसका क्या जवाब दे। भाव पैदा हो कोई उत्तर नहीं आया। अब ब्रह्मा जी भी इस प्रकार काफी देर तक चिंतन करते रहे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो सनकादिकों के मन में अहंकार पैदा हो गया कि आज हमने अपने पिता से ऐसी बात पूछी कि जिसका जवाब पिताजी को भी नहीं आया, हमारी बात का उत्तर पिताजी के पास में भी नहीं है, नहीं तो क्यों नहीं हाथों जवाब दे देते। इसका मतलब हम लोगों का ज्ञान इतना श्रेष्ठ है कि ब्रह्मा जी की बोली भी हम बंद कर सकते हैं। इस प्रकार उनमें अहंकार का अंकुर पैदा हो गया। और जानते हो भगवान तो भाई अहंकार को ही समाप्त किया करते हैं, अहंकार खुराक है भगवान की, वो खाली अहंकार को खाया करते हैं। जिस किसी ने भी अहंकार किया उसका अहंकार भगवान खा करके उसे नष्ट किया। अब ब्रह्मा जी ने जब कोई उत्तर नहीं दिया और उन सप्तऋषियों का अहंकार बढ़ता देखा, नहीं सनकादिकों का अहंकार बढ़ता देखा, भगवान नारायण ने विचार किया कि भाई ये काम तो गड़बड़ हो रहा है, इसका कुछ समाधान करना चाहिए। उस समय भगवान नारायण एक हंस का स्वरूप बना करके वहां पहुंचे, हंस के रूप में भगवान बड़ा वहां पहुंचे हैं, और इधर ब्रह्मा जी खड़े हैं, सामने सनकादिक ऋषि खड़े हैं, उन दोनों के बीच में जाकर के हंस खड़ा हो गया। अब दोनों आपस में बातें करते थे, बीच में कोई तीसरा टपक जाता है तो वो तो बुरा लगता है ना, तुम बीच में कहां आ गया, क्यों आ गए? अब वो सनकादिक ऋषि है, हंस से कहने लगे को भवान, आप कौन है जी? हमारी बात चलती थी पिता पुत्र की, इसके बीच में तुम बीच में अड़ंगा डालने कहां से आ गए? को भवान, आप कौन हैं? ये जो प्रश्न किया सनकादिकों ने, तो चटपट हंस उनसे बोलने लगा, महाराज आप पहले ये बताइए आपने ये जो प्रश्न किया है किस लिए किया है? प्रश्न किस लिए किया है? क्या आपने शरीर को लेकर के प्रश्न किया है? तो शरीर तो जो आपका है वो कहो मेरा शरीर है, जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच महाभूतों का द्वारा शरीर किसी का भी बनता है तो आपका भी उसी से बना है, मेरा भी उसी से बना हुआ है। तो धातु के रूप में देखा जाए, शरीर के रूप में देखा जाए तो आप और हम एक हैं, तो एक होने के नाते आप कैसे पूछ सकते हो कि तुम कौन हो? आप और हम तो एक ही है। अरे भाई इस हाथ को लेकर के क्या हम दूसरा हाथ बताएंगे, रीस को कहेंगे दूसरा कहेंगे क्या? किसी कोई भी हाथ हो तो मेरा अपना एक है, हम तो एक ही है ना, चाहे कोई हाथ को चाहे पैर हो चाहे आंख हो कान हो नाक हो कोई भी क्यों नहीं हो। तो शरीर के रूप में यदि आपने प्रश्न किया है तो शरीर जो आपका है वो का वो हमारा है, इसलिए अब आपका प्रश्न गलत है, प्रश्न ही रिजेक्ट। और यदि आपने आत्मा को लेकर के प्रश्न पूछा है कि आत्मरूप से आप कौन हो, तो जो आत्मा सदा सब में एक है वो आप में है, वो कि वो मेरी आत्मा है और आप में मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो आत्मा रूप में देखा जाए तो भी हम एक हैं, शरीर रूप में देखा जाए तो भी हम एक हैं, इसलिए किसी भी रीति से आपका प्रश्न ही निकृष्ट है। मतलब आपको पूछना भी नहीं आता किससे क्या पूछना चाहिए,
हंस रूप में भगवान इसलिए आए कि हंस है ब्रह्मा जी की सवारी, ब्रह्मा जी की सवारी है हंस है। तो हंस रूप में आने का मतलब भगवान बता देना चाहते हैं, अरे तुमने ब्रह्मा जी से सवाल क्यों किया, उन ऐसी छोटी मोटी बात तो ब्रह्मा जी की सवारी उत्तर दे सकती है, उनको बीच में तंग करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान हंस रूप से बीच में आकर के प्रकट हुए। अब सनकादिक चुप हो गए, अब क्या प्रश्न का उत्तर दे, अब क्या बात पूछे, कुछ बोल नहीं सके। जिनको अहंकार हुआ था कि हमने ब्रह्मा जी की बोली बंद कर दी, स्वयं वे ही निरुत्तर हो गए, कुछ जवाब नहीं दे सके। अब नहीं बोल सके तब भगवान ने हंस रूप से भगवान ने कहा, बोली सर आप क्या प्रश्न लेकर के ब्रह्मा जी के पास में आए हो। कि महाराज विषय तो मन में बैठ जाता है, मन विषय में बैठ जाता है, इन दोनों को अलग कैसे किया जाए, ये उलझन पैदा होती है। दोनों एक हो गए तो अब वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं, इसलिए कैसे करना चाहिए। तब उत्तर दिया उन्होंने एक समाधान के रूप में कि देखिए इसके लिए दो तरीके हैं, कोई भी तरीका अपना करके आप इस अपने मन के समाधान को अच्छी प्रकार भली भांति चुन सकते हैं। एक तो समाधान ये है कि जिस चीज का आपको चिंतन किया, जिस विषय को आपने मन में बैठा रखा है, तो या तो उस विषय को आप याद करते हो तो उसका चिंतन छोड़ दो, उस चीज को याद मत करो। जो चीज आपको प्यारी लगी है उसका चिंतन छोड़ दिया जाएगा, तो और जिसको त्याग करना है उसको त्याग देना है, उसको याद नहीं करना। उदाहरण के रूप में एक वैद्य का दृष्टांत भी बताते हैं। एक मरीज वैद्य जी के पास में गया और वैद्य जी से कहा, महाराज मेरे ये मुख तकलीफ है, कुछ दवाई दीजिए। वैद्य जी ने एक पुड़िया दी और कहा, बेटा जाओ ये पुड़िया तुम ले लेना और आराम से तुम घर में सब काम करो। महाराज परहेज क्या रखना है, परहेज देखो खाने पीने के लिए कोई मना नहीं है, चाहे जो खाओ, तेल गुड़ खटाई नमकीन चटपटा खटपटा घी कुछ भी खा सकते हो, खाने में कोई मना नहीं। नहीं नहीं तो परहेज, परहेज एक है सिर्फ, ओनली वन, एक एक क्या है, जिस समय ये पूरी खावे हो उस समय नीले मुंह के बंदर को याद मत करना। जिस समय पूरी खानी है ना उस टाइम बंदर के मुंह को याद मत करना, और कुछ करो। बढ़िया बात, बहुत अच्छा महाराज, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई। अरे सब कुछ खाने पर भी बीमारी ठीक हुई, हाँ हो जाएगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त याद रखना, बंदर को याद मत करना, जो हो गया महाराज। अब वो घर चला गया, अब पुड़िया हाथ में लेकर के एक गिलास ली और कहा, बैजी ने परहेज क्या बताया है, बंदर को याद मत करना, और बंदर तो पहले याद आ गया, अब पुड़ी कैसे खावे। गिलास रख दी, अभी तो आज मेरा समय निकल गया, उम्र टल गया, आगे देखेंगे। घंटे दो घंटे बाद में फिर वही गिलास हाथ में उठाई, पुड़ी हाथ में ली और क्या कहा बैजी ने, परहेज बंदर को याद मत करना, फिर याद आ गया। अरे जिसको छोड़ना है उसी को याद करते जा रहे हैं तो कैसे छूटेगा, छोड़ना है उसको तो छोड़ना पड़ेगा तब छूटेगा वो, और छोड़ना है उसको याद करते जाएंगे जिंदगी भर, 100 वर्ष तक भी भरे आप चेष्टा करते रहो, वो पिंड छोड़ने वाला नहीं। मतलब कोई भी विषय इसका मुझे त्याग करना है, ये चिंतन करते रहेंगे वो छूटेगा नहीं, तो उसका तो स्वाभाविक रूप से परित्याग कर देना चाहिए। छोड़ दो, मतलब छोड़ दो बस, उसके लिए प्रयास करने की, उसकी माला फेरने की, उसका चिंतन करने की इनकी आवश्यकता नहीं है। केवल उसका जो आज्ञा दी है उस आज्ञा का वचन का पालन कर लो, एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है, जिस विषय का चिंतन कर रहे हो, जो विषय आपको बुरा लग रहा है, जो आपके मन में बैठा हुआ है, उस जगह उस विषय का भाव छोड़ करके परमात्मा का स्वरूप देख लो। इस रूप में परमात्मा हमारे सामने है,
घड़ी के रूप में परमात्मा है, कपड़े के रूप में परमात्मा है, चीज वस्तु के रूप में परमात्मा है, हरेक सामग्री के रूप में परमात्मा भगवान है, नहीं तो वो चीज है, नहीं कोई दूसरी व्यक्ति है, कोई आत्मा। जब ये चिंतन रहेगा इस प्रकार का, तो परमात्मा का चिंतन होगा तो वहां पर वो विषय खत्म हो जाएगा अपने आप ही, वो सब का सब विषय परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। इसलिए विषय का भाव नष्ट करने के लिए और परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ने के लिए इस उत्तम तरीके को काम में ले सकते हो। इस प्रकार ये ब्रह्मा जी ने जब संतोषजनक उत्तर सुना, स्वयं ब्रह्मा जी भी बहुत प्रभावित हुए और हंस ने भी वंदन किया, शनकादिकों ने ब्रह्मा जी को वंदन किया, प्रभु ने सबको आशीर्वाद दिया और सब भी अपने अपने स्थान पर वापस चले गए। सज्जनों, मनुष्य जीवन में अब हम परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ना चाहते हैं तो इस प्रकार उस महापुरुषों की आज्ञा का पालन करें और आज्ञा का पालन करते हुए हम सदा उनके नाम के चिंतन में हर परिस्थिति में उस परमात्मा को देखते रहें। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। जो तुलसीदास जी महाराज ने बात बताई कि सब जगह परमात्मा परमात्मा देख रहे हैं, उनको दूसरा कोई दिखाई देता ही नहीं है। एक कुटुंब में है तो भी परमात्मा, बाहर है तो परमात्मा, पशु है तो परमात्मा, पक्षी है तो परमात्मा, अब जहाँ कहीं भी जाओ और परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ उन्हें दिखता ही नहीं, और जहाँ जाएंगे प्रभु की गोद में है, किसी भी जगह भले क्यों नहीं चले जाओ, वे हर प्रकार वहाँ पर जो परमात्मा भाव हुआ सारा काम बन गया। इस प्रकार हम परमात्मा के हैं ये बात सत्संग में हमें प्राप्त होती है। इस बात को गिन करके गांठ बांधना, हृदय में धारण कर लेना, इसको मजबूती से पकड़ लेना, यही संतों के शास्त्रों के सद ग्रंथों की सद प्रेरणा है। प्रेमी सज्जनों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस प्रेरणा को प्राप्त कर सभी लोग अपने जीवन में परम शांति का अनुभव करें, यही सब लोगों से हार्दिक मंगल कामना है। सभी का बहुत बहुत अभिवादन, सभी को प्रेम से राम जी राम।